बदमाशों का गढ़ हो चले बिजनौर में लगातार हादसे होते रहते हैं और पुलिस भी लगातार बदमाशों को धर दबोचने का काम करती है। आज फिर से किरतपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर दो लुटेरों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। आज एसपी बिजनौर ने प्रेस को जानकारी दी कि 3 जुलाई को स्कूल से वापस अपने घर जाते हुए प्राथमिक विद्यालय मोचीपुरा में सहायक अध्यापिका के पद पर काम करने वाली नीलम निवासी जयनगर नजीबाबाद से दो अज्ञात बाइक सवारों ने एक मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा सुमित कुमार निवासी काजीवाला मंडावर और उनकी पत्नी से दूधली जाते वक्त नहर पर खड़े 3 अज्ञात बदमाशों ने 1,000 रुपये, कानों की बालियां, पायल, पेडल और अंगूठी छीन ली थी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई थी। किरतपुर पुलिस ने घटनाओं का खुलासा करते हुए दो लोगों को गांव खटाई पुलिया से पहले हाजी जी के बाग वाले रास्ते पर घेराबंदी करके दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्त जाहिद निवासी मोहल्ला अहमद खेल किरतपुर और शिबू निवासी मोहल्ला रातगान किरतपुर बिजनौर हैं। इनका एक साथी मनोज उर्फ नेवला निवासी गांव अंगाखेड़ी मंडावर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को इनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 कारतूस, 1 UP-20 BQ-2760 नंबर की बाइक, 1 जोड़ी कानों की बालियां, 1 जोड़ी चांदी की पायल और लूट के 350 रुपये बरामद हुए हैं। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। क्या मामला? थाना किरतपुर में दो लूट की घटना हुई थी, एक 3 जुलाई को, दूसरा 11 जुलाई को, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन, 1,000 रुपया कुंडल मोबाइल फ़ोन गया था। दो साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और एक मनोज नेवला, जिसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, वो वांछित हैं। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, लूटे गए जेवरात और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा सहित इनको पकड़ा गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका गैंग पंजीकरण होगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।